हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में आप जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश पंचायती राज की सीरीज़ शुरू की जा रही है। तो ये फर्स्ट सीरीज़ की चर्चा करेंगे जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये सीरीज इसलिए शुरू की जा रही है कि मध्य प्रदेश या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देख कर ही ये बनाई जा रही है ये सीरीज़, राइट। तो हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश पंचायती राज की, लेकिन सबसे पहले हम इंडिया लेवल में समझ लेते हैं पंचायती राज कहाँ से शुरू किया गया था। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में पंचायती राज का गठन कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के नागौर ज़िले में। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर ज़िले में। कब किया गया था? तो आप डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की पुण्य, आप याद रखिएगा जन्मतिथि के अवसर पर, 1959 हो जाएगा। आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज कहाँ से प्रारंभ किया गया था? राजस्थान के नागौर ज़िले से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो आप इतना क्लियर कर लीजिएगा, ओके। इसके अलावा अगर बात की जाए पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, पंचायती राज का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इंडिया में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का जनक कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन का जनक, राइट। क्लियर यहाँ तक? पंचायती राज का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, पंचायती राज का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 40 आप याद रखिएगा, आर्टिकल 40 के तहत क्या किया जाता है? पंचायती राज का गठन किया जाता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज की, राइट। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज के क्वेश्चन फर्स्ट, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सभी, मध्य प्रदेश में नगरपालिका विधि या संशोधन अध्यादेश 2019 का राजपत्र में किस दिनांक को प्रकाशन किया गया था दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ABCD में आंसर देना है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 9 अक्टूबर 2019 को एक संशोधन किया गया था नगरपालिका के लिए। तो आप याद रखिएगा, कब किया गया था? 9 अक्टूबर 2019 को। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या था ये संशोधन, राइट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 20 वर्षों से नगरीय निकायों में चली आ रही महापौर व अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली को पुनः अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने की व्यवस्था लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि, राइट, संशोधन अध्यादेश पर 8 अक्टूबर 2019 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने के बाद 9 अक्टूबर 2019 को राजपत्र, या फिर याद रखिएगा, राजपत्र द्वारा ये प्रकाशित किया गया था विधानसभा द्वारा, राइट। तो इस बात से यहाँ से ये क्लियर होता है कि अभी तक जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था महापौर का, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि महापौर व अध्यक्ष का जो चुनाव होता था वो प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता था, राइट। तो ये एक अध्यादेश लाया गया जिसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, अब इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा, क्लियर है? इस पॉइंट में सिर्फ यही बताया गया है, राइट। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, अंतिम रूप से प्रकाशित कब किया गया था? मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक या 2019 को 23 दिसंबर, आप डेट याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है डेट, तो ये हो जाएगा 23 दिसंबर 2019 को राजपत्र से प्रकाशित किया गया था, राइट। क्लियर है यहाँ तक आपको? नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक कब पारित किया गया था? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ था? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1993 में, ओके। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन का पालन करने हेतु 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तथा 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की सहमति या राज्यपाल के साइन हुए, राइट, क्लियर है। 25 जनवरी 1994 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। तो आप याद रखिएगा, पूरी तरह से प्रकाशित कब हुआ था? 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज प्रवृत्त हुआ था, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्लियर है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, ये
ये पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का अभिपालन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रथम अगर लगा हुआ है कहीं भी तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे प्रथम है तो मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है और दूसरा पंजाब है दोस्तों, आप याद रखिएगा। क्लियर, मध्य प्रदेश ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया, कब किया था इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, राइट। क्लियर है, हम नेक्स्ट बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों। तो ये तो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हम, ये 2020 के अकॉर्डिंग बता सकते हैं समथिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, समथिंग पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, राइट। तो आप याद रखिएगा 23,922। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा इसका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके, तो इसको देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होगी दोस्तों। किसी भी गांव की जनसंख्या या विलेज की जनसंख्या 1000 है तब उसको क्या है, पंचायती राज या पंचायत घोषित किया जा सकता है, राइट। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं, 23,922। क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और चुनाव इलेक्शन में या इलेक्टेड या फिर आप बोल सकते हैं चुनाव में अगर खड़ा होना किसी व्यक्ति को, सरपंच या कुछ सरपंच बनना है सबसे छोटी इकाई में, तो आप याद रखिएगा इसके लिए जो आयु होती है निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष है। कितनी है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए इलेक्टेड होने के लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। क्लियर, अब बात करेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो आर्टिकल की बात की जाए तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे 243E के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्लियर है दोस्तों, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और विघटन होने पर 6 माह में चुनाव अवश्य रूप से कराना होगा। मध्य प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू सेम, आप याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कितनी आबादी पर, आप याद रखिएगा कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत वार्ड बनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं की भी आबादी क्या है, जनपद पंचायत बनाने के लिए जो आबादी होनी चाहिए 5000 यानी 5000 आबादी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में आपको आंसर देना है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल क्या दे सकता है, पंचायतों को ये अनुमति दे सकता है कर लगाने की। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर। तो आपका यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनेंगे, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243E के अनुसार पंचायतों को कर लगाने का अधिकार उस राज्य का राज्य विधानमंडल दे सकता है, उसी राज्य का विधानमंडल ही दे सकता है। क्लियर रखिएगा आप यहाँ पे, मध्य प्रदेश में भी यही प्रावधान लागू है, क्लियर कर लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 2001, या मध्य प्रदेश ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। हमारा गांव हमारा राज्य निम्नलिखित में से संबंधित है या प्रकाशित है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून, ये क्या है, एक प्रकार का कानून है जनजातियों से संबंधित। क्लियर है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगी, क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी 2017 में आया था, ओके क्लियर रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का दोस्तों, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है, सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है सर्वी सर्वा होता है, तो क्या करता है, वहाँ की बैठकों का संचालन यही करता है सचिव। क्लियर है आप,
दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।